hello guys good morning to everyone so now we are doing the determiners earlier sections in our previous videos first of all we have done the definition of determiner types of determiner and in those type we did the article determiner in article determiner we have completed a definite article and indefinite article okay in our first video सो इन सेकेंड वीडियो इन डेफिनेट आर्टिकल एंड सम ऑफ द एक्सरसाइज यू हैव डन ठीक है इन थर्ड वीडियो पॉजिटिव डिटर्मिनर ठीक है एंड पॉजिटिव आर फोर्थ वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी आर डूइंग यूज ऑफ द डिटर्मिनर ऑफ क्वान्टिटी यानी कि जब हम संख्या में बताते हैं उनके बारे में बताना है सबसे पहले है मच एंड मैनी सो मच का हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ जिनको हम गिन नहीं सकते लेकिन होती क्या वो सिंगुलर होते हैं जैसे हाउ मच एक्सपीरियंस ठीक है एक्सपीरियंस को वी कैन नॉट काउंट सो इट इज मच हाउ मच एक्सपीरियंस हाउ मच फ्री टाइम टाइम इज ऑल्सो अनकाउंटेबल सो वी हैव रिटर्न मच ओके आफ्टर दैट मैनी मैनी वी विल यूज विद प्लूरल प्लूरल काउंटेबल नाउन ओके सो विद प्लूरल काउंटेबल नाउन यू विल यूज मैनी ऑफ कोर्स विद क्वेश्चन यानी कि विद विदेटिव एंड मैनी, ओके लाइक हाउ मैनी पीपल केम टू द मीटिंग, डू यू गो टू द मैनी डू यू गो टू मैनी कॉन्सर्ट्स सो ये सब चीजें हमारे क्या है काउंटेबल हैं और हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तो हमने इसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना है हाँ मैंने आपको बताया है कि हम प्लूरल नाउन के साथ यूज करेंगे प्लूरल काउंटेबल के साथ मैनी का यूज करेंगे लेकिन एक्सेप्शन हर चीज की होती है यहाँ पे हमने देखना है कि सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज करेंगे जहां पे जहां पे मैनी के बाद वर्ड आपका आ लिखा होगा मैनी आ जैसे मैनी आ गुड मैन मैनी आ शिप ओके जहाँ पे मैनी आ यूज है वहां पे सिर्फ सिंगुलर अदरवाइज प्लूरल के साथ यूज कर रहे हैं हमने आपको पहले भी बताया है मच और मैनी का यूज आपनेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए करना है मच का यूज सिम्बुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है और मैनी का यूज लूरल के साथ होता है ओके विट स्पेंड मच मनी एग्जाम्पल आपको हमने पहले दे ही दिए हैं लेकिन फिर भी कुछ हमारे सेंटेंसेज ऐसे हैं जहां पर हम जहाँ पे हम क्या करेंगे अपर्मेटिव सेंटेंसेज का यूज कर सकते हैं जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस में उसके लिए भी तो हमें संख्या बतानी होती है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम मैने का यूज ना करके लिखेंगे ऑफ़ 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 लॉट्स इन एक्सप्रेशन का यूज करेंगे ठीक है उसके बाद आपको बताया गया है कि कोर्स मच और मैने का यूज अफर्मेटिव में करेंगे लेकिन वहां पे जहां पे ये हमें सेंस देते हैं क्वेश्चन की इनडायरेक्ट क्वेश्चन की हमें सेंस देंगे यानी कि जो इफ या वेदर कंटेनिंग सेंटेंसेस होते हैं ठीक है उनमें हम क्या लिखेंगे मच या मैनी का यूज कर सकते हैं यानी कि उनके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा लेकिन उसके अंदर सेंस किस चीज की होगी क्वेश्चन की कैसे आई डाउट इफ मैनी कैंडिडेट्स विल बी फॉर द मीटिंग तो यहाँ पे मुझे शक है कि बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे मीटिंग में होंगे या नहीं होंगे मतलब यहाँ पे शक की बिना है एक सेंस है हमारे अंदर क्वेश्चन की पता नहीं है या नहीं है उसके बाद जब आपके सेंटेंस में सो चू एज हाउ यूज होते हैं तब भी भी हमने मैने का यूज या मच का यूज कर सकते हैं जैसे सो मच मनी शी हैज सो मच मनी एंड आई हैव सो लिटिल देर आर टू मैनी मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज तो यहाँ पे सो टू एज हैव इनका यूज भी हम कर सकते हैं so in this way you can uh, see much more example you can have as much wine as you want yani ki yahan pe as use ho gaya isliye maine much ka use kar diya i know how much money that ring cost तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने अगर how है much है ऐसा हाउ है as है ठीक है इन सब के साथ हम use कर सकते हैं much और many का positive में When many and much qualify the subject, जब किसी subject को qualify करते हैं, तब भी, यानी कि subject की वो quality बन जाते हैं। जैसे many workers, तो यहाँ पे worker की quality बन गई। Many workers like to spend their off days in their village homes. Many hands are light work, यानी कि यहाँ पे quality बन गई है many people की। In case of much, when it stands alone, जब एक ही sense में use होता है, ठीक है? इसके साथ कोई noun नहीं होते। जैसे much depends, यहाँ पे much people नहीं लिखा हुआ, ठीक है? मच डिपेंड्स ऑन वट स्टैंड द गवर्नमेंट टेक्स दैट ए मैटर मच ऑफ वर्ट यानी कि इसके साथ नाउन है ही नहीं इनकेस ऑफ मच वेन इट इज फॉलोड बाई एन एब्रिक्ट कोई एबस्ट्रिक नाउन होती है तब भी, भी हम यूज कर सकते हैं मच का जैसे रिजल्ट ऑफ मच हार्डवर्क एंड ए पेशेंट रिजल्ट पेशेंस रिजल्ट यहाँ पे पेशेंस पेशेंट नहीं है ठीक है हार्डवर्क यहाँ पे हार्डवर्क क्या एबस्ट्रिक्ट नाउन है इसके पहले भी हम मच का यूज कर सकते हैं उसके बाद आपका आता है लिटल और फ्यू वाला आपको ध्यान से समझना है लिटल और फ्यू वाला फ्यू का मतलब होता है हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं काउंटेबल प्लूरल होनी चाहिए और ठीक है जबकि लिटल का हम यूज करेंगे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन होती है ये जिसको हम सिर्फ मेजरमेंट कर सकते हैं नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं ओके okay? हमें पता है कि फ्यू और लिटल जब इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं होता तो हमेशा नेगेटिव सेंस देते हैं जैसे कि देखिए

ठीक है ये थोड़ा सा ठीक है लगे तुम सच्ची नहीं हो तुम झूठे हो एक झूठो तो सीधे बोल देना उसको और एक तुम सच्ची नहीं हो तो इस तरह से ये इस बात को ना थोड़े से अच्छे वे में बताने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है लिटल लिटल का मतलब आपको बता दिया है मैंने इसका मतलब भी कुछ नहीं होता है लेकिन वहां पे जहां पे हम उसको गिन नहीं सकते दे वॉज लिटल डाउट इन माई माइंड देर वॉज लिटल वॉटर इन माई पोटल इस तरह से हम लिख सकते हैं आ फ्यू का मतलब आ लिटल का मतलब थोड़ा सा कुछ है ठीक है इसका मतलब कुछ तो है वी हैव हैड आ फ्यू रिप्लाईज कुछ रिप्लाई हमारे पास आए हैं ही हैज अ हैजिटल मनी उसके पास थोड़े से तो पैसे हैं थोड़े से तो हैं कि वो दे सकता है ठीक है इसके अच्छे से मीनिंग के लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जो कि हमें अच्छे से बता देगा ठीक है यूजेज ऑफ फ्यू एंड डिटेल फ्यू का मतलब आपको बता दिया है कि ये काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है ठीक है अब फ्यू के थ्री यूजेज हैं एक तो बिल्कुल सिर्फ फ्यू होता है जिसमें ऑलमोस्ट नथिंग होता है जिसका मतलब निल होता है ठीक है जैसे आई हैव फ्यू बुक्स इन माई का मतलब कुछ तो है एटलीस्ट समथिंग आई हैव फ्यू बुक्स इन बैग मेरे बैग में कुछ एक एक आध किताब है जो मैं यूज कर सकता हूँ फ्यू का मतलब ज्यादा तो नहीं है लेकिन जितनी है वो सारी की सारी आई कैन गिव यू द फ्यू बुक्स इज़ इन बैग मेरे बैग में जितनी थोड़ी सी बुक हैं वो मैं सारी तुम्हें दे दूंगा यानी कि थोड़ी सी चार पाँच चार पाँच ही दे दूंगा ठीक है यानी कि दाफियो मतलब है थोड़ी सी लेकिन सारी ले लो तुम मैं अपने लिए कुछ नहीं रखना चाहता ये हमें सेक्रिफाइज करने की भावना को दिखाता है, फ्यू, आ फ्यू ही है कि कुछ एक ही है और मैं दे नहीं सकता मेरे लिए ही है वो ठीक है उसके बाद इसी तरह लिटल मैंने आपको बताया है ना उनको हम काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल होती हैं लेकिन सिर्फ वो मेजरमेंट की जा सकती है वही बात लिटल कुछ नहीं होता है इसका मतलब जैसे आई हैव हैिटल वाटर इन माई बॉटल मेरी बोटल में थोड़ा सा पानी है यानी कि ये जो आपके बिना आर्टिकल uh, के लिटल और फ्यू यूज होते इसका मतलब होता है किसी नेगेटिव बात को पॉजिटिव वे में बताना होता है ओके आ लिटल का मतलब थोड़ा सा कुछ है आई हैव लिटल वाटर इन माई बॉटल द लिटल क्वान्टिटी तो थोड़ी है लेकिन जितनी है सारी की सारी आई कैन गिव यू द लिटल वाटर विच इज इन माई बॉटल सारा पानी दे दूंगा जो मेरी बोटल में है

प्लूरल नाउन में इसका यूज करेंगे हम इफ फॉर वेदर वही बात है क्वेश्चन वाले वर्ड्स में ही यूज करना है ठीक है जैसे आई डेंट ईट एनी मीट शी आस्क्ड इफ वी हैड एनी क्वेश्चन मतलब इस तरह से हम इनका यूज करना सीख लेंगे ओके सो so ये कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज होता है ठीक है यूजली कॉल्ड इंसटेड ऑफ एनी की जैसे आई हैव गॉट सम पेपर इफ यू वांट ठीक है अगर आप चाहते हो तो मेरे मुझे कुछ पेपर मिल आ, मिले हुए हैं सम इज आल्सो यूजिंग द क्वेश्चन दैट एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर ना वुड यू लाइक सम मिल्क और टी यानी कि जवाब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछा गया है आर देयर एनी जॉब्स मैन कैन डू बट वुमेन कैन नॉट तो यहां पे भी क्या है कुछ ऐसी जॉब होती है ऐसी भी जॉब है क्या है, जो आदमी कर सकता है औरतें नहीं कर सकती हैं नी बेटर यानी कि एनी का हमने यूज करना सिर्फ क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के लिए ही एनी इज यूज रेफर टू ईच व सेटर देखते हैं एनी चाइल्ड हुप इज बेटर कोई भी बच्चा हर एक अलग अलग इंस्ट्रक्शन है कोई भी जो बचने की कोशिश करे उसको पिटाई कर दी जाएगी वेन यूज एनी एंड नॉट नो विद कम्पेरेटिव यानी कि हम यूज कर सकते हैं एनी और नोट को या फिर एनी के साथ है, न, आ, किस चीज को यूज कर सकते हैं हम नो या नोट की सिचुएशन में भी, भी यूज कर सकते हैं जैसे हिज कार वॉज एनी बेटर देन आर्स अब वॉज नोट के साथ एनी भी लगा दिया और एनी के साथ नोट भी लगा दिया और एनी भी लगा दिया यानी कंपेरिजन करने के लिए यूज कर सकते हैं हम नोट एनी या नो एनी इनका यूज करेंगे कंपेरिजन के लिए उट doubt. कोई डाउट doubt होता है तब भी, भी हम एनी का यूज करेंगे कैसे शी है कुछ पैसे होंगे नहीं तो है ही नहीं ठीक है सम सम का यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाम के साथ आपको बताया पॉजिटिव में जैसे आई है ठीक है यहाँ पे दिए हुए सम मोर वेजिटेबल कुछ और वेजिटेबल ले लो आप तो हमने आपको बता दिया है सम और कुछ लोगों को कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है उनको अलग करने के लिए कैटेगराइज करने के लिए भी यूज हम करते हैं उसके बाद है यूज ऑफ ऑल सेवर इन ठीक है इन चीजों का तो ऑल ऑल हमें पता है ग्रुप में सब चीजों के लिए होता है ऑल द हॉर्सेज आर एनिमल ठीक है बट ऑल एनिमल्स आर नॉट हॉर्सेज यानी कि ऑल का यूज हम करेंगे सब के साथ ऑल का मतलब होता है होल नंबर ऑफ नेक्स्ट इज ऑल इज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी ओल का यूज होता है जहाँ हम गिन नहीं सकते हैं जैसे ओल वुड टेंड्स टू श्रिंक सभी लकड़ियाँ क्या होती हैं श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ठीक है ठीके? इसके बाद ऑल यूज विद सिंगुलर नाउन सिंगुलर के साथ भी यूज होता है जैसे इन ऑल ऑनेस्टी जब हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है ना उनके साथ हम यूज कर देते हैं ऑल इज यूज इन द सेंस ऑफ कंसिस्टिंग और अपियरिंग टू कंसिस्ट ऑफ़ वन थिंग ओनली एक थिंग के लिए भी होता है शी वॉज ऑल स्माइल एक ही चीज है उसके पास बस स्माइल करती है द मैगजीन वॉज ऑल एडवर्टीजमेंट मैगजीन का तो एक ही काम है बस सिर्फ वो एडवर्टीजमेंट के लिए बनी हुई यानी एक चीज को जब हमें रेफर करना है तो ऑल में यानी कि हर चीज को छोड़ के सिर्फ उसी के लिए है इन द मीनिंग ऑफ एनी या फिर वट एवर के लिए भी हो जाता है ही डिनाइड ऑल नॉलेज ऑफ द क्राइम यानी कि किसी तरह की कि उसको एनी वट एवर उसको नॉलेज है ही नहीं उन्हीं चीज़ की साफ साफ मना कर गया several, several का मतलब होता है मोर देन टू बट नॉट वेरी मैनी बहुत तो है लेकिन ज्यादा नहीं है सेवरल लेटर्स दिस मॉर्निंग काफी लेटर आए हैं इस मॉर्निंग में ही ही इज हैज सेवरल बुक्स अबाउट इंडिया कई बुक लिखी हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है दो चार पाँच सात तो लिखी हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है मैनी की सेंस में नहीं है बहुत ज्यादा नहीं है इनफ इनफ हम यूज करते हैं प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ एज मैनी एज ए मच के रूप में जितनी को जरूरत होती है have you made enough copies? क्या जितनी हमें जरूरत है उतनी बन गई इतने भी कपड़े नहीं है कि एक आ, हफ्ते तक चल सके। okay? no, no का मतलब नो मीनस नॉट वन नॉट एनी इन सेंस में यूज होता है नो स्टूडेंट इज टू लीव द रूम कोई नहीं जाएगा देर इज नो बसेस इन दिस पार्ट ऑफ टाउन पार्ट में कोई बस नहीं है नो no, हम यूज करते हैं किसी चीज को नोटिस ध्यान दिलाने के लिए जैसे नो पार्किंग नो स्मोकिंग ठीक है नो इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अपोजिट ऑफ वट इज मैंशन जो कह रहे हैं उसके लिए भी शी इज नॉट अ फूल मतलब उसका उल्टा मीनिंग नॉट फूल का मतलब कि वो थोड़ी सी तो वॉइस है थोड़ी सी तो इंटेलिजेंट है ओके सो इन दिस वे आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस डिटर्मिन एक्सरसाइज यू विल गेट इन योर ग्रोक फॉर द एक्सरसाइज टिल दिन Have a good day.